हरे कृष्णा। वृंदावन कलर्स चैनल्स में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम रामायण के एक और विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सीता माँ के बारे में। सीता माँ की जिद, मैं भी चलूं राम के साथ वनवास। राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला होता है, सीता माँ को ये बात पता नहीं होती। राम भगवान सीता माँ से मिलने जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, हे सीता, मैं वनवास पर जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो सीता माँ हैरान हो जाती है, वनवास? वो राम जी से बोलती है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राम जी बोलते हैं, नहीं सीता, वहाँ मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। वहाँ जाने से पहले तुम्हें मेरे पिता की सेवा करनी है, भरत की आज्ञा का पालन करना है, माता कौशल्या का ध्यान रखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी बहू की है। तो सीता माँ राम भगवान को बोलती है, एक पुत्री, एक बहू, एक बेटी, एक बहन की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन एक पत्नी की जिम्मेदारी अपनी जगह है, मुझे आपके साथ जाना है। एक बेटी, एक बहन, एक पुत्री और एक बहू की जिम्मेदारी अपनी जगह है और एक पत्नी की जिम्मेदारी अपनी जगह है। मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके सुख दुख में आपके साथ रहूँ। आप छाँव में रहोगे तो मैं छाँव में रहूँगी, आप दुख में रहोगे तो मैं दुख में रहूँगी, आप सुख में रहोगे तो मैं सुख में रहूँगी। राम भगवान बोलते, नहीं सीता, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। अब जब सीता माँ देखते हैं कि राम भगवान उन्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे, तो वो जिद करने लगती हैं। वो बोलती हैं, मेरे पिता ने आपको अपना दामाद बनाकर गलती कर दी, आपको एहसास होना चाहिए कि मैंने आपसे तब शादी की जब मैं किशोर अवस्था में भी नहीं थी, और यहाँ तक कि मैंने एक ज्योतिष को अपनी कुंडली भी दिखाई थी, उसने कहा था आपका पति वनवासी होगा, आपको कुछ समय वन में ही बिताना होगा। जब एक ज्योतिष ने बोल दिया कि मेरा भाग्य वन में लिखा, तो आप मुझे ना ले जाने वाले कौन होते हो? यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो या तो मैं विष खा लूँगी, या अग्नि में गिर जाऊँगी, या मैं अपनी प्राणों का अंत कर दूँगी। आपके साथ ही मेरा स्वर्ग और नरक भी मिलेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है राम। अब राम भगवान चिंता में पड़ गए, वो सीता माँ को ले जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यदि हम रियलिटी में देखें तो क्या एक आम लड़की क्या कभी वन में जाने के लिए तैयार होगी? यदि आप मुझसे पूछेंगे तो कभी नहीं। यदि आप मेरी बात करेंगे और यदि मेरा पति आके मुझसे कहे कि हे हीना, तुम मेरे साथ वन पे चलो, तो मैं तो या तो उसे कहूँगी, भाई तू अकेला चला जा, मुझे मत लेके जा, या तू भी बैठ जा, हम कहीं किराए पर चलते हैं। कहने का अर्थ है कि असल जिंदगी में ऐसा करना संभव नहीं है, ऐसा ही सिर्फ सेविका ही कर सकती है, और एक सच्ची सेविका। और सीता माँ भगवान राम की एक सच्ची सेविका थी। रियलिटी में ऐसा करना किसी के लिए संभव नहीं है। यदि सीता माँ ने जिद की कि राम मैं भी चलूँगी, और यदि आप मुझे नहीं ले गए तो मैं विष खा लूँगी, तो ऐसा संभव नहीं है। एक साधारण लड़की के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है। हरे कृष्णा।